Hey guys, don't forget to subscribe because we are going to upload daily few problems, the most important problems. ये पूछा गया था क्वेश्चन 2016 में मार्च में दो मार्क के लिए, तो y is equals to x raised to x दिया हुआ है. अब हमको इसका डेरिवेटिव निकालना है. अब जहाँ पे यहाँ पे कैसा है, या तो फंक्शन इंटू फंक्शन रहता है, नहीं तो फंक्शन अपॉन फंक्शन रहता है. यहाँ पे फंक्शन के ऊपर फंक्शन, जब भी फंक्शन के ऊपर फंक्शन रहा तो लॉग लेना है. तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स अगर ले लिया तो लॉग वाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स रेज टू एक्स. आपको ऑब्वियसली पूरी इंग्लिश लिखनी पड़ेगी, टेकिंग लॉग वगैरह पूरा दोनों साइड. मैं इधर शॉर्ट में यूज़ कर रहा हूँ, राइट. सो लॉग की प्रॉपर्टी के हिसाब से हमारा फंक्शन अब सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो लॉग वाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स लॉग एक्स. अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स. अगर हमने डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लॉग वाई का डेरिवेटिव होगा वन अपॉन वाई इंटू वाई का डेरिवेटिव, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अपन फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन इंटू फंक्शन, सॉरी ये क्या हो गया, फंक्शन इंटू फंक्शन इसका डेरिवेटिव हम लेंगे. तो इसको पकड़ेंगे फर्स्ट, इसको पकड़ेंगे सेकेंड, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाई एक्स इन प्लस सेकेंड दैट इज लॉग एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव दैट इज वन. एक्स एक्स कैंसिल, हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा वन प्लस लॉग एक्स, और ऑफकोर्स यहाँ पे लॉग यूज़ किया था तो ये वाई अपना उधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई वन प्लस लॉग एक्स विच इज़ नथिंग बट वन प्लस लॉग एक्स ब्रैकेट में यहाँ पे एक्स रेज टू एक्स. ये पूछा गया था तीन मार्क्स के लिए मार्च 2016 में, तो डी वाई बाई डी एक्स निकलना है, वाई इज इक्वल्स टू है कॉस इनवर्स ऑफ टू एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर. अब जब भी बाहर इनवर्स रहा तो हमें अंदर कॉस या साइन बनाना है, लाइक कॉस इनवर्स के अंदर यहाँ पे कॉस या साइन बनाना है. तो अब कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, तो हम सब्सटीट्यूट करेंगे. अब देखना यहाँ पे कैसा रहता है, रूट में ना इनवर्स में दो चीज़ें रहती है, एक होता है रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, एक रहेगा रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर. जब भी वन माइनस एक्स स्क्वायर रहा तो साइन या कॉस सब्सटीट्यूट करो, राइट, या साइन या कॉस सब्सटीट्यूट करो, और जब भी वन प्लस रहा तो टैन सब्सटीट्यूट करो, राइट, टैन ही सब्सटीट्यूट करना. अब यहाँ पे अपन दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, तो हम करेंगे लेट एक्स इज इक्वल्स टू साइन थीटा, सो देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स, राइट. सो वाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ टू साइन थीटा इंटू अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, विच इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ, ये हो जाएगा टू साइन थीटा इंटू रूट ऑफ आइडेंटिटीज़ के हिसाब से कॉस स्क्वायर थीटा. अगर आपको आइडेंटिटीज़ या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले में प्रॉब्लम जा रही है तो आप एक वीडियो चेक कर सकते हैं, जहाँ पे शॉर्ट में मैंने सारे एक्सप्लेन किया है वीडियोस कि कैसे तुम सारे रिमेंबर कर सकते हो फॉर्मूले, लाइक वेरी इजी ट्रिक्स है. अगर आप वो देख लिया वीडियो तो आपको सब याद रहेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हैं. कॉस थीटा, राइट, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ साइन टू थीटा. अगेन ये हाफ एंगल फार्मूला का उल्टा अपन ने यूज़ किया है, तो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले अगर लर्न किए तो ऑफकोर्स सब आसान हो जाएगा. यहाँ पे कॉस इनवर्स ऑफ, अब साइन को हमने कॉस में बदलना है तो हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस टू थीटा. ये सब उस वीडियो में, आई थिंक इट्स अ मस्ट अगर आप ये देखें जिनको भी प्रॉब्लम है ट्रिग्नोमेट्री में. अब पाई बाई टू माइनस टू थीटा विच इज़ नथिंग बट, अब ये हो जाएगा पाई बाई टू माइनस टू थीटा, राइट, कॉस इनवर्स के अंदर कॉस आ गया तो पाई बाई टू माइनस टू थीटा हो जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू पाई बाई टू माइनस टू टाइम्स. अब थीटा हमने क्या सब्सटीट्यूट किया था, तो थीटा हमने सब्सटीट्यूट किया एक्स किया था साइन थीटा, तो थीटा हो गया साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो टू इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स दैट इज़ नथिंग बट वाई. सो डी वाई बाई डी एक्स ने डिफ्रेंशिएट किया उसको रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये जगह पाई बाई टू कॉन्स्टेंट है तो ये जगह जीरो माइनस टू टाइम्स साइन इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होगा वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर. सो फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस टू टाइम्स अंडर रूट माइनस टू टाइम्स माइनस टू अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर. ये क्वेश्चन पूछा गया था मार्च 2016 में थ्री मार्क्स के लिए. If y is equals to f of u is a differentiable function of u and u is g of x is a differentiable function of x, then prove that y is equals to f of g of x is a differentiable function of x and dy by dx is equals to dy by du into du by dx. मतलब in short ये है chain rule.
हमको चेन रूल का थ्योरम प्रूव करना पड़ेगा, एक चेन रूल और दूसरा इनवर्स वाला, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एक आध प्रूफ आ ही सकता है समझ लो 2019 के एग्जाम में। सो पहला स्टेटमेंट दोनों का सेम ही रहता है, चेन रूल हो या दूसरा इनवर्स फंक्शन हो। लेट डेल एक्स बी द स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स, लेट डेल वाई एंड डेल यू बी द करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट इन वाई एंड यू। अब वहाँ पे ऑब्वियसली सिर्फ वाई की ज़रूरत है, यू नहीं रहता, यहाँ पे चेन रूल है इसलिए यू भी अपन डालेंगे, राइट। सो लेट्स बिगिन। सो यहाँ पे डेल वाई बाय डेल एक्स इज इक्वल्स टू, जैसे कि बोला था ये एक नंबर है छोटे छोटे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल वाई बाय डेल यू इन टू डेल यू बाय डेल एक्स। यहाँ पे ना ये इंग्लिश बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो लिखा हुआ है ना कि टेकिंग लिमिट लेना ये सब करना वो सब, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ तो डेल वाई बाई डेल यू इंटू डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वाई बाई डेल एक्स, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स, अगर हमने लिमिट लिया दोनों जगह तो ये हो जाएगा डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, ये हो जाएगा डेल वाई बाई डेल यू इंटू डेल यू बाई डेल एक्स, राइट। ये पूरा इसके लिए लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो। अब इसको अपन लिमिट सेपरेट कर देंगे तो ये हो जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, ये हो जाएगा डेल वाई बाई डेल यू इंटू लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, ये हो जाएगा डेल यू बाय डेल एक्स। अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है कि y इज़ अ डिफरेंशियबल फंक्शन ऑफ u, यानी कि y x का डिफरेंशियबल फंक्शन, सॉरी y u का डिफरेंशियबल फंक्शन है जो अपने पास गिवन है। सो लिमिट डेल यू टेंड्स टू जीरो डेल वाई बाई डेल यू एग्जिस्ट, मतलब कि यहाँ पे डेल एक्स की जगह पे हमको रिप्लेस करना है डेल यू से, तो हम यही बता रहे हैं कि एक दिया हुआ है अगर वो डिफरेंशियबल फंक्शन है तो लिमिट डेल यू टेंड्स टू जीरो डेल वाई बाई डेल यू एग्जिस्ट एंड लिमिट डेल यू टेंड्स टू जीरो डेल यू बाई डेल एक्स ऑल्सो एग्जिस्ट, राइट। ये दोनों एग्जिस्ट होंगे एज यू इज अ डिफरेंशियबल फंक्शन ऑफ एक्स, करेक्ट। अब ऐसा अगर सिचुएशन है तो आर एच एस ऑफ वन एग्जिस्ट, मतलब राइट हैंड साइड जो है अपना इधर का, ये एग्जिस्ट करेगा, ये भी और ये भी, ये एग्जिस्ट करेगा। सो हम लिख सकते हैं लिमिट डेल वाई, लिमिट डेल यू टेंड्स टू जीरो डेल वाई बाई डेल यू इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी डी वाई बाई डी यू, राइट। और वैसे ही लिमिट डेल वाई बाई लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो डेल वाई बाई डेल एक्स को हम लिख सकते हैं डी वाई बाई नहीं डेल यू बाई डेल एक्स है, सॉरी खुद की राइटिंग नहीं पहचाना ना, वाओ। सो एनीवेज तो मैं थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूँ कि ये जो है ये डेल यू है, राइट। तो डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा डी यू बाय डी एक्स। सो फाइनली हमारा जो राइट हैंड साइड है वो बन जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो डेल वाई बाई डेल एक्स। अच्छा ये जो वन है जो आर एच एस ऑफ वन एग्जिस्ट, तो ये वाला वन है, राइट, आर एच एस ओ वन, तो ऑब्वियसली ये वाला अपन ने इसको मॉडिफाई किया, तो ये हो जाएगा डी वाई बाय सॉरी डी वाई बाय डी यू इंटू डी यू बाय डी एक्स, राइट। तो आर एच एस अगर एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब राइट हैंड साइड अगर एग्जिस्ट कर रहा है, तो एल एच एस भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन बन चुकी है तो हमारा लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो डेल वाई बाय डेल एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाय डी यू, राइट, ये डी यू था, इंटू डी यू बाय डी एक्स एग्जिस्ट। और अगर ये एग्जिस्ट होता है सो देयरफॉर लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो डेल वाई बाय डेल एक्स इज नथिंग बट डी वाई बाय डी एक्स। और ये हमारे कंक्लूजन पे हम जाएंगे कि थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ मैनेज, हमारा कंक्लूजन ये निकलेगा कि एक सेकेंड, तो हमारा कंक्लूजन ये निकलेगा कि डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू डेल सॉरी डी वाई बाय डी यू इंटू डी यू बाय डी एक्स, दिस इज नथिंग बट आर चेन रूल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसा हो सकता है चार मार्क के लिए आपको इसमें एक क्वेश्चन भी ऐड कर दे कि बाय चेन रूल तुम एक क्वेश्चन दे देंगे कि साइन ऑफ कॉस एक्स का डेरिवेटिव निकालो, ये भी हो सकता है।